You must already be aware that JMI dates are out for law exam. It is to be conducted on the 17th of August. And apart from that, what else is there? What else is written in the prospectus that has come out? We will discuss everything in this video. Hi guys, I am Ayushi and welcome to Law Digest. Now the prospectus is very long. So what I have tried to do is, जो भी important parts हैं, उनको मैंने यहाँ पे produce किया है and we will talk about those. अगर आपको उसके अलावा कुछ और information चाहिए then you can check the prospectus for more details. I have given the link of the prospectus in the description of this video. The link is there. From there you can open the prospectus and check. Date as I mentioned 17th August को ये exam होने वाला है 10 से 11:30 के बीच, मतलब 1.5 घंटे का exam होने वाला है. So for faculty of law, BA LLB and BA LLB honors self-financed are the two courses that are offered. Therefore 3-year LLB जो है वो JMI में नहीं है. It is only 5-year LLB that is available in JMI. Eligibility देख लेते हैं. Candidate should be passed from grade 12th. Grade 12th pass out होना चाहिए candidate and जो percentage है that should be not less than 50 in total and जिसमें जो core subjects हैं उनके साथ साथ English को include करना mandatory है. Meaning thereby कि आपके जो भी subjects हैं 12th के उसका जो percentage निकलेगा that should be 50% and you need to include English in that percentage. Now speaking of fees and seats. Fees अगर आप देखोगे BLLB honors की 10,400 है एंड सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी की 40,500 है एंड सीट्स जो हैं वो दोनों ही कैटेगरीज में 60-60 हैं, यानी टोटल 120 सीट्स अवेलेबल हैं. अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की. एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा थ्रू दीज वेबसाइट्स. दीज आर द वेबसाइट्स दैट यू कैन चेक फॉर फिलिंग इन योर एप्लीकेशन फॉर्म. योर एप्लीकेशन फीस इज ₹700. देन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए आपको ये ध्यान में रखना है दैट यू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. इट विल बी फिल्ड ऑनलाइन ओनली. एडमिशन पोर्टल्स इन पे ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं वो आप. तो टू वे प्रोसेस है, तो दो फेजेस में है. फर्स्ट इज कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. बेसिक प्रोफाइल आपको एंटर करनी है एंड देन एंट्रेंस एप्लीकेशन सबमिशन. Choosing your program that you want to apply for, your category and submitting the application fees that is ₹700. Then eligibility criteria you have to check beforehand before applying whether you are eligible or not. Then further आपका जो अगर आप qualifying examination में अभी appear कर रहे हैं, माने आप 12th में अपीयर कर रहे हैं, योर रिजल्ट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड, यू स्टिल अपीयरिंग इन 12th, यू आर स्टिल क्वालिफाइड टू गिव दिस एग्जामिनेशन. एंड ऑल्सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, दैट यू नीड टू हैव अ वैलिड ईमेल आईडी विद यू एंड अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर. इन दोनों का साइज यहाँ पर मैंशनड है और फॉर्मेट भी मैंशनड है. नाउ इट इज़ सेट कि आपको नेम और डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं करने दिया जाएगा, तो बहुत ध्यान से विद अ लॉट ऑफ अटेंशन फिल इन योर डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ. 1 जून to 5 जून का टाइम दिया जाएगा. दिस टाइम विल बी प्रोवाइडेड टू यू टू एडिट योर एप्लीकेशन जस्ट इन केस देयर इज एनी मिस्टेक. नाउ दिस एप्लीकेशन फॉर्म्स, वंस यू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म यू विल गेट अ यूनिक कोड ऑन योर ईमेल. आपको उस लिंक को वेरीफाई करना है थ्रू योर ईमेल अकाउंट एंड जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा यू कैन यूज इट टू एक्सेस द अकाउंट. यू कैन लॉग इन थ्रू दैट एंड डू द रेस्ट ऑफ द फॉर्मेलिटीज, पे द एप्लीकेशन फीस. फीस जो है वो ऑनलाइन मोड में ही फिल होगी, क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग. सो इन केस यू डोंट हैव एनी ऑफ दीज डू अरेंज फॉर द सेम. देन इट इज़ सेड दैट यू हैव टू इंश्योर कि सारी जो डिटेल्स हैं वो सही से भरी हुई हैं. फर्दर टेस्ट सेंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं. इन 7 एरियाज में जो है वो टेस्ट सेंटर्स दिए जाएंगे जहाँ पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं. अब पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम की अगर बात करें तो प्रस्पेक्टस में ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है एंड ऑल्सो अगर आप वेबसाइट पे भी जाओगे एंड यू ट्राई टू फाइंड द सिलेबस फॉर द एग्ज़ाम, सो द पेज इज नॉट ओपनिंग अप. इट सेज देर इज सम एरर विद द पेज, दैट इज वॉट इट सेज. सो दिस पैटर्न आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ 2020 एग्जामिनेशन, कि एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है,
मार्क्स 150 मार्क्स का पेपर होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, क्वेश्चंस 150 होते हैं, यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। अब ये सब्जेक्ट्स हैं, आई हैव कैटेगराइज दिस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर प्रोस्पेक्टस एज वेल एज लुकिंग एट द पास्ट ईयर पेपर्स। पास्ट ईयर पेपर्स की बात करें तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.lawdigest.in, वहाँ पर जो JMI का कोर्स हमने लॉन्च किया है उसमें पास्ट ईयर पेपर्स ऑलरेडी गिवन है। सो एज यू कैन सी हियर, जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, लीगल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज़ बेसिकली इंग्लिश जिसमें थोड़े लीगल वर्ड्स भी आएंगे, जनरल अवेयरनेस जिसमें स्टैटिक एंड करंट बोथ विल बी देयर, लीगल एप्टीट्यूड आपका आएगा, एंड मेंटल एबिलिटी दैट इज़ योर मैथमेटिक्स विल बी देयर। सो दिस इज़ ऑल इन ऑल विद रिस्पेक्ट टू JMI। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो वेयर आई विल टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, जस्ट इन केस यू नीड एनी हेल्प विद इट। एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज और डाउट्स, यू कैन मैंशन द सेम इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, और यू कैन गेट इन टच विद मी थ्रू द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट आई एम अवेलेबल ऑन। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच वीडियोज, एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर लीगल अपडेट्स।